चीन की गुलामी की जंजीरों में पाकिस्तान इस कदर जकड़ गया है कि एक तरफ इमरान खान तो दूसरी तरफ आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ सरकार की नाक में दम कर दिया। लेकिन रुकिए, इमरान पाकिस्तान के अलावा एक और चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तान बिकता जा रहा। दरअसल पाकिस्तान इतने कर्ज में है कि अब वो अपनी जमीनों से लेकर होटलों तक को गिरवी कर रहा। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क के अपने चर्चित रूजवेल्ट होटल को न्यूयॉर्क प्रशासन को 3 साल के लिए पट्टे पर दे दिया और इसके एवज में अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान को $22 करोड़ देगा। अब अगर इस होटल की बात करें, इस होटल का नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नाम पर रखा गया था। ये सबसे बड़ी बात है कि ये होटल न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में 1924 से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों को पालने के चक्कर में इस होटल को लीज पर दे रहा। इससे पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA ने इस होटल को 1979 में पट्टे पर दे दिया था, लेकिन 2 दशक बाद इसे वापस खरीद लिया। चलिए अब इस डील के बारे में बात करते हैं और जानते हैं इसे लीज पर देकर पाकिस्तान आखिर करेगा क्या। दरअसल इस सौदे के तहत न्यूयॉर्क शहर प्रशासन इसे 3 साल तक संचालित करेगा और प्रवासियों के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ये होटल 2020 में कोविड महामारी के समय बंद हो गया था और इसी साल से इसको केवल और केवल प्रवासियों के लिए दोबारा खोला गया था। अब पाकिस्तान में इसे लीज पर देने के बाद जश्न मनाया जा रहा, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और खुद विमानन मंत्री ख्वाजा शाद रफीक ने कहा कि पट्टा समझौते से पाकिस्तान सरकार को लगभग $22 करोड़ की आमदनी होने की उम्मीद है। पट्टा 1250 कमरों के लिए हुआ है। 3 साल की लीज की अवधि पूरी होने के बाद ये होटल पाकिस्तान सरकार को लौटा दिया जाएगा। होटल का सालाना खर्च $2.5 करोड़ है। इस पर अभी करीब $2 करोड़ की देनदारियां हैं। वैसे पाकिस्तान बिक रहा धीरे धीरे और भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार हो रहा, और जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ी हुई है। होश इसलिए भी उड़े हैं, नींद इसलिए भी उड़ी है क्योंकि मोदी सरकार ने आतंकियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को जिस तरह से आतंकवाद ने जकड़ रखा है उससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान आज अपने होटल या फिर किसी दूसरी चीज को लीज पर दे रहा, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से बिकेगा और फिर भारत उसे अपने देश में शामिल करेगा। आपका क्या कुछ कहना है? जो पाकिस्तान 1947 में बना, क्या वो फिर से भारत का हिस्सा बन सकता है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।